बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मल्टी सीट चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि गोकटोक अल्प उस्मान गाजी के नायब कैसे बने और क्या गोकटोक अल्प एक हकीकी किरदार है या सिर्फ महमद बोल्ला के दिमाग की इख्तरा है, और कैसे गोकटोक अल्प मुसलमान से मंगोल सिपाही बने। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में मज़ीद बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल मल्टी स्ट्रीट को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया के क़याम के वक्त मंगोल अपने अरूज पर थे। उस वक्त उनका वाहद मकसद मंगोल सल्तनत की तोसी था, लिहाजा इन्होंने हर सरजमीन, शहर और कबीले पर हमले किए जो इनके रास्ते में आया। जब वो अनातोलिया पहुँचे तो वहाँ पर मौजूद तुर्क कबाइल पर भी हमला किया ताकि वो तुर्क मंगोलों की बात माने या फिर अपना कत्ल करने पर मजबूर करें। इन्हीं तुर्क कबाइल में से एक कबीला कंगार या गोकटोक का भी था। नाज़रीन, गोकटोक अल्प के वालिद एक सिपाही थे और मंगोलों से लड़ रहे थे। इस दौरान गोकटोक अल्प के वालिद शहीद हो गए। मंगोलों ने गोकटोक अल्प के खेमे पर हमला किया। अपने बच्चों को बचाते हुए इस दौरान उनकी वालिदा भी शहीद हो गई। नाज़रीन, गोकटोक अल्प मंगोलों की कैद में चले गए और उनके भाई भाग निकलने में कामयाब हुए। मंगोलों ने गोकटोक अल्प को गुलाम बाजार में फरोख्त कर दिया और बाद अज़ां मंगोलों के एक कमांडर बालगाय ने गोकटोक अल्प को ख़रीद लिया। मंगोल कमांडर बालगाय ने गोकटोक अल्प की ब्रेन वॉशिंग करके उन्हें मुसलमान से मंगोल बना दिया और गोकटोक अल्प का नाम बदलकर कंगार रख दिया। नाज़रीन, वक़्त गुजरने के साथ साथ कंगार या गोकटोक अल्प एक बहादुर मंगोल सिपाही बन गया और मंगोल कमांडर बालगाय ने गोकटोक अल्प यानी कंगार को इस्तेमाल करके बहुत सारे इलाके फतह किए। दरअसल मंगोल कमांडर बालगाय मंगोलों में ख़ास मर्तबा हासिल करके मंगोलों का हुक्मरान बनना चाहता था। इसी गर्ज से मुख्तलिफ जगहों पर मंगोल कमांडर बालगाय हमला करते करते कई कबीला जा पहुँचा। नाज़रीन, इस दौरान उनके बड़े भाई ने गोकटोक अल्प को गर्दन पर मौजूद एक निशान के जरिए पहचान लिया, लेकिन उनके बड़े भाई कनोर अल्प को यकीन न आया कि उनका छोटा भाई गोकटोक अल्प एक मंगोल सिपाही बन चुका है। लिहाजा उनके बड़े भाई कनोर अल्प ने अपने छोटे भाई को बचपन की याद दिलाना शुरू कर दी और वो वक्त भी आया जब वो गोकटोक अल्प को अपनी असली याद करवाने में कामयाब हुए। फिर गोकटोक ने भी अपने भाई का साथ दिया और मंगोल कमांडर बालगाय को शिकस्त देने में उस्मान गाजी की मदद की। नाज़रीन, गोकटोक अल्प ने मुसलमान होने के बाद हर मुहम में उस्मान गाजी का भरपूर साथ दिया और वो वक्त भी आया जब गोकटोक अल्प उस्मान गाजी के करीबी सिपाही बने और उस्मान गाजी ने गोकटोक अल्प को कबीले के सिपाहियों का सिपा सलार बना दिया। नाज़रीन, गोकटोक अल्प ने तुर्गुत अल्प के साथ मिलकर एनागोल किला भी फतह किया। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि ड्रामा सीरियल क्रोलस उस्मान में कंगार या गोकटोक का किरदार अदा करने वाले अदाकार का नाम क्या है। नाज़रीन, गोकटोक का किरदार अदा करने वाले अदाकार का नाम बुराक सेलिक है। ये 21 जुलाई 1992 को इस्तांबुल में पैदा हुए और इनकी मौजूदा उम्र 28 साल है। नाज़रीन, बुराक सेलिक को सबसे ज़्यादा शोहरत ड्रामा सीरियल क्रोलस उस्मान में मिली और इन्होंने अपनी एक्टिंग से 4 चांद लगा दिए। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मल्टी स्ट्रीट को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।